नमस्कार, यह पांच की बात। मैं हूं नकमा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत पहुंच गए हैं और जयपुर में हैं। प्रधानमंत्री भी जयपुर में हैं। मैक्रों गणतंत्र दिवस की परेड के लिए यहां खास मेहमान के तौर पर आए हैं और ये दूसरी बार वो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बनेंगे। इससे पहले 2019 में भी वो इसमें शामिल हुए थे और इसके पहले बीते साल ही फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री मोदी खास मेहमान बने थे। तो पहले आपको बताते हैं कि उनका आज का प्रोग्राम क्या है। इमैनुअल मैक्रों जो हैं वो लैंड कर चुके हैं जयपुर पे। 3:15 पे वो आमेर के किला में गए। 5:30 उनका जंतर मंतर जाने का कार्यक्रम है और 6:00 एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 6:15 के करीब में वो हवा महल पे होंगे और 7:15 प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होटल ताज रामबाग पैलेस में होगी और रात 9:50 पर वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 9:40 में उनका दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। एयरफोर्स स्टेशन पालम पर वो पहुंचेंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि मैक्रों जो हैं वो जब हवा महल में जाएंगे तो वहाँ उनका कार्यक्रम है कि वो यहाँ खास भारतीय मसाला चाय पियेंगे और हैंडीक्राफ्ट्स खरीदेंगे और हैंडीक्राफ्ट्स जब वो खरीदेंगे तो इसके लिए ख़ास तौर पर वो यूपीआई से पेमेंट करेंगे। भारत जो यूपीआई में जिसने बहुत तरक्की की है उसकी काफ़ी चर्चा है और यही देखेगा जब मैक्रों यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। जंतर मंतर से सांगानेरी गेट तक प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों एक रोड शो भी करेंगे। ये जो रोड शो है वो जंतर मंतर से होकर सांगानेर गेट तक जाएगा। इमैनुअल मैक्रों ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आखिरी मिनट में निमंत्रण स्वीकार किया जिसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की एक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर सिंह जो जयपुर में मौजूद हैं और बड़ी चौपड़ पे हैं और हमारे साथ हर्षा कुमारी सिंह भी हैं। हर्षा और उमा आप दोनों अलग अलग जगहों पे हैं तो हर्षा आप कहाँ हैं और वहाँ पर इस वक्त क्या हलचल है आगे का बताएंगी आप? जी देखिए बिल्कुल यहाँ पर सीएम साहब आ गए हैं जो भजन लाल जी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और थोड़ा सा वो पहले आए हैं। पीएम एयरपोर्ट से रवाना हो गए हैं और वहाँ जंतर मंतर जाएंगे। सीएम का कैवलकेड आ गया है और वो भी अब जंतर मंतर की तरफ जा रहा है और फिर यहाँ पर उनके आने का प्रोग्राम है जहाँ पर पहले से आप देख सकते हैं कि बॉय स्काउट जो हैं वो लोग सब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं आप लोग यहाँ पर जो आए हैं कहाँ से आए हैं और कितना उत्सुक हैं आज आप? हम बहुत ही उत्सुक है आज क्योंकि आज माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी से हम मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम बहुत ही अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं और हम पास ही मानक चौक स्कूल से आए हैं। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया। आपको क्या अच्छा लग रहा है आज कि जयपुर में कौन मेहमान खास मेहमान आ रहे हैं? आज हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और हमारे स्कूल में आज पास में ही है यहाँ पर मानक चौक। और उनके साथ कौन आ रहे हैं? उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कुछ बीजेपी के लोग भी हमारे साथ हैं। काफी उत्साह है, हम देख रहे हैं कि काफी अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, जो राजस्थान का कल्चर है पधारो हमारे देश, उनके स्वागत के लिए इस्तकबाल के लिए आज यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता भी हैं और पूरी जयपुर की जनता है, बड़ा उत्साह है यहाँ पर क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए गुलाबी नगर तैयार है और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मुनावर भाई आप भी यहाँ पर हैं, काफी लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, क्या कुछ उल्लास हर्ष है इसको लेकर? वो आप देख ही रहे हैं क्या जिस तरीके से पूरा जयपुर उमड़ पड़ा है, क्या प्रधानमंत्री जी का और फ्रांस के राष्ट्रपति जी का स्वागत करने के लिए जयपुर पलक पावने बिछाए तैयार बैठा है। और साथ ही साथ सबसे खुशी की बात यह है कि जयपुर का सौभाग्य कि प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आए, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, मेरे साथ जल्दी से यहाँ के विधायक भी हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, क्या प्रभाव रहेगा राजनीतिक रूप से भी प्रभाव रहेगा यहाँ पर पीएम आएंगे बड़े नेता के साथ? देखिए पूरी दुनिया की दो ऐसी शख्सियत जो पावरफुल लीडर जिन्हें बोलते हैं, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे 140 करोड़ का गौरव हैं और पूरी देश अपितु पूरी दुनिया जिनके काम को मानती और जानती है, जिनकी गारंटी पर सबको विश्वास है,
और हमारे उनके आपको लगता है क्या राजनीति का असर क्या पड़ेगा इसे? डेमोक्रेसी के हिसाब से आप देखें तो पूरी दुनिया में एक मैसेज है, दो शक्तिशाली ताकतें आज उनका मैत्री मिलन जो है वो और मजबूत हो रहा है और तेज गति से हमारा लगभग सभी देशों से मजबूती से मिलन होके और हमारा कारोबार से लेकर हमारी सुरक्षा और हमारे सब कुछ बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सबके लिए एक अच्छा संदेश है और हमारे जयपुर और हवामहल के लिए तो एक विशेष है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का जी। हमारे साथ उमा भी मौजूद है। उमा, आप जहाँ पे हैं वहाँ पे खास तैयारी और ये भारत और फ्रांस के बीच में बहुत अहम जो उनका रिश्ता रहा है तो एक बड़ा मौका है कि जब ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका 25वां साल है, जैसे मौके पे आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। जी बिल्कुल नगमा, देखिए जो ये दौरा है जयपुर का फ्रांस के राष्ट्रपति का, उसको दो हिस्से में देख सकते हैं। एक तो कल्चरल हिस्सा है उसका, जो अभी वो उसमें शिरकत कर रहे हैं, आमिर के किले पर वो गए, उसके बाद वो जंतर मंतर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी उनको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहां से अगर हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएं तो ये जो रूट है वो लेकर जंतर मंतर से हवा महल की तरफ जाएंगे जो कि मेरी दाईं तरफ है। तो यहां जो अभी जो कारों का काफिला दिख रहा है वो मुख्यमंत्री के कारों का काफिला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के कारों का काफिला है। तो ये तो यहाँ पे कल्चरल जो एक भागीदारी है उसमें वो शिरकत कर रहे हैं और दूसरा जो इनका हिस्सा होगा वो राजनयिक संबंधों को लेकर होगा, समझौतों को आगे बढ़ाने की बात होगी। आपने सही जिक्र किया कि 25 साल पूरे हो चुके हैं जो रणनीतिक साझेदारी है भारत और फ्रांस के बीच, और उसी सिलसिले में जब बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब फ्रांस गए थे तो उस समय जो एक रोड मैप तैयार किया गया था 2047 का और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक को शामिल करते उस रोड मैप में जो एक सहमति बनी थी उसी के तहत जो बातचीत होगी उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य तौर पे अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो राफेल एम जो फाइटर जेट है जो कि नौसेना के काम आता है उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ने की कुछ संभावना है, साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर जो कॉरपोरेशन है जैतापुर को लेकर खास तौर पे उसको लेकर बात आगे बढ़ने की जो संभावना है वो है। तो एक पावर पैक्ड यहाँ पर ये कार्यक्रम है, हालांकि बहुत फौरी नतीजे निकल कर आने की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि बातचीत कई दौर का होता है, कई उसका सिलसिला जो है लंबा चलता है, लेकिन कम समय में जो फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा यहाँ पर नियत हुआ क्योंकि पहले किसी और को अतिथि बनकर आना था लेकिन वो हो ना सका, तो ऐसे में एक नज़दीकी दिखती है कि आखिरकार राष्ट्रपति जो फ्रांस के यहाँ पर आए हैं उनकी जो बातचीत होगी और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे जहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस परेड में वो शामिल होंगे, तो ये दोनों देशों के बीच की जो आपसी नज़दीकी है उसको दर्शाने वाला ये दौरा है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका उमा। हम कुछ देर में वापस लौटेंगे जब प्रधानमंत्री भी वहां पे होंगे और ये रोड शो भी होगा और इनका दौरा होगा हवा महल का भी जो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत और फ्रांस के जो सामरिक सहयोग है उसका 25वां साल है। पश्चिमी देशों में वैसे फ्रांस जो है वो भारत का पहला रणनीतिक साझेदार रहा और फ्रांस के लिए भी भारत जो है वो पहला गैर यूरोपीय पार्टनर देश रहा और इसमें जो रक्षा क्षेत्र है वो बहुत अहम है। हमारे साथ जुड़े हैं दो मेहमान, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं सुरक्षा विश्लेषक और ब्रह्मचलानी कूटनीतिक विशेषज्ञ। आप दोनों का धन्यवाद। ब्रह्मचलानी, आप मैक्रों के इस दौरे को, ये दूसरी बार है जब वो चीफ गेस्ट बन रहे हैं और बहुत आखिरी लम्हे पर उन्होंने ये इन्विटेशन स्वीकार किया और वो यहाँ पर आए हैं, ये दिखता है कि भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वो और गहरा हुआ है और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है दोनों के बीच में उसका 25वां साल भी है, तो भारत फ्रांस के रिश्ते के इस दौर में आप देखते हैं और उसमें क्या प्रोग्रेस दिखता है आपको? फ्रांस अपने इकोनॉमिक और डिफेंस इंटरेस्ट एडवांस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस वजह मैक्रों दोबारा आए हैं भारत। सितंबर में आए थे G20 समिट के लिए, अब दोबारा आए हैं रिपब्लिक डे परेड के लिए। जैसे आपने पहले बताया कि मोदी चीफ गेस्ट थे फ्रांस के नेशनल डे पर जुलाई में, और अब मैक्रों चीफ गेस्ट थे हमारे नेशनल डे पर, रिपब्लिक डे पर। तो ये एक तरह का म्यूचुअल रपोर बनाया ना, पर्सनल रपोर मोदी और मैक्रों के बीच में, ये अच्छी बात है। मगर सवाल ये उठता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंडिया में जो भी फॉरेन लीडर आता है उसकी विजिट हम सेलिब्रेट करते हैं, कभी नहीं पूछते कि भारत के कमर्शियल और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट किस कॉन्क्रीट बेसिस पर एडवांस हो रहे हैं। देखिए जब मोदी गए थे फ्रांस में
तो उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिया फ्रांस को। अब मैक्रों आए हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर का कॉन्ट्रैक्ट दे फ्रांस को, वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेचने की कोशिश करेगा मैक्रों। अब भारत को क्या मिलेगा इस विजिट से, उसके बारे में भारत में कोई चर्चा ही नहीं होती है कभी, कोई भी फॉरेन लीडर आए तो ये जो मोदी जाए। सही बात आपने कहा कि जब भी कोई फॉरेन डिग्निटरी आते हैं एक बहुत सेलिब्रेशन, एक उत्साह होता है। और ये भी कहा जा रहा है मेजर जनरल सिवाज कि ये जो रिश्ता है उसमें डिफेंस सेक्टर का बड़ा हाथ है। जैसे उनका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत जो है वो फ्रांस से 26 रफाल एम फाइटर का सौदा करने वाला है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के लिए होगा, और स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन भी ली जानी है। तो डिफेंस टाइज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्रांस ये बेच रहा है, भारत ये खरीद रहा है, तो ये रिश्ते इनका आधार जो है वो खरीद फरोख्त, खास करके जो हमारे सुरक्षा के लिए है, वो बहुत इसकी इंपॉर्टेंट नींव है। हाँ बिल्कुल, देखो नगमा ये सच्चाई है कि अभी भारत का जो प्रिंसिपल है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, मगर कुछ एक ऐसी चीजें हैं अभी भी भारत नहीं बना पाएगा जो कि इंजन के बारे में है और जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। और हमने रफेल के 2 स्क्वाड्रन फ्रांस से लिए जो कि 4.5 जनरेशन है, स्टेट ऑफ आर्ट है, वो गेम चेंजर, वो हमने डिप्लॉय कर रखे हैं नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी। और अब हम ले रहे हैं रफेल एम जो है, जो कि हमारे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य में लगेंगे 26 एयरक्राफ्ट। ये भी बहुत ही आधुनिक है और इस पे अमेरिका कोई खास खुश नहीं था, वो नाराज था क्योंकि हमने सुपर हॉर्नेट को इस नहीं लिया बल्कि हमने रफेल एम को लिया। अब हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की, जो कि सफरान इंजन कंपनी है फ्रांस की, वो भी हो सकता है कि हम आगे बात हो। और इसी प्रकार से जो हमने 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई थी आपस में मिलके भारत ने और फ्रांस ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया था, और अब उसी क्लास की 3 और स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन, उनका भी मुझे लगता है डिफेंस का समझौता होगा। तो मुझे लगता है कि डिफेंस की टाई जो भारत और फ्रांस की है वो बहुत गहरी है, और आपस में अगर इंडो पैसिफिक को भी देखें आप नगमा, कि यूं तो हम क्वाड का हिस्सा है और बार बार बताते रहे क्वाड प्लस में फ्रांस आना चाहिए, क्योंकि इसके 1.8 मिलियन लोग जो है वो आइलैंड टेरिटरीज में इंडो पैसिफिक में है, जिस प्रकार से आपके यूनियन आइलैंड है, न्यू पॉलिनेशिया है और बाकी आइलैंड्स हैं। तो ये सच्चाई है को लेकर जो भारत और फ्रांस के बीच बात हुई है, एक रोड मैप 2047, वो बहुत अहम है, पर रक्षा संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा एक फाइनल कमेंट छोटा आपसे, कि आपने कहा कि क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, उसके अलावा जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, तो इसके अलावा फ्रांस और इंडिया के रिश्ते, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स या हमारे डिफेंस सेगमेंट सेक्टर में जो खरीदी जा रही है चीज़ें, उसके अलावा अगर हम देखें तो कितना अहम है, क्योंकि फ्रांस जो है वो UNSC में भी इंडिया के लिए एक पीछे से बैट करता रहा है, क्लाइमेट चेंज हो, बहुत सारे इश्यूज पे उसने भारत का समर्थन किया है, तो म्यूचुअल बेनिफिशियल एक रिश्ता है। और इस बार दौरे से क्या हासिल भारत को होगा? अब ठीक कह रहे नगमा, पहली बात तो यह है कि फ्रांस हमेशा भारत का सपोर्टर रहा है। जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे 1998 में, फ्रांस एकमात्र वेस्टर्न देश था जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, इंडिया के खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं लगाए। तब से भारत और फ्रांस के रिश्ते डेवलप हो रहे हैं सिग्निफिकेंटली, और जो कॉपरेशन है वो काफ़ी तक एक्सपैंड हो चुका है डिफेंस एरिया में, कल्चरल टाइज वगैरह में। तो फ्रांस एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, और अगर भारत और फ्रांस के रिश्ते गहरे होते हैं उससे इंडिया का जो डिपेंडेंस है अमेरिका पर वो कम हो जाता है। तो फ्रांस के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भारत के हित में है, और मैक्रों का आना शॉर्ट नोटिस पर, जब बाइडेन ने ना बोला दिसंबर में, तो 4 महीने तक तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, कि जब इन्विटेशन दिया गया जो बाइडेन को सितंबर में, तो उन्होंने तो पहले मान लिया, पर दिसंबर में लास्ट मिनट में उन्होंने कहा कि हम नहीं आ पाएंगे, उनकी तो वैसे भी हेल्थ काफ़ी नाजुक है। मगर मैक्रों ने इतने शॉर्ट नोटिस पर एक्सेप्ट किया, ये टेस्ट करता है कि भारत और फ्रांस के रिश्ते इतने मजबूत हैं, इतने गहरे हैं, कि मैक्रों ने इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने की कोशिश की। जी,
और दोनों देशों के हित में है एक दूसरे के साथ ये रिश्ता बनाना, और मैक्रों ने बहुत आखिर में, बहुत जल्दी में ये इनविटेशन स्वीकार किया है। धन्यवाद आप दोनों का, मैं जनरल सिवाच और ब्रह्माचलानी मार साथ जुड़ने के लिए। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पे हैं और वो रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट हैं। उनसे जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं अभी, और ब्रेक के बाद बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज़। नीतीश से बात की है लालू ने, मनाने की कोशिश शुरू। और बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर वहां पर सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, और ये बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बहुत जल्द ही पाला बदलने की तैयारी में शायद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर आकर बिहार सरकार भंग कर सकते हैं और एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बीजेपी आलाकमान ने नीतीश की वापसी को हरी झंडी दी है, ये भी खबर सूत्रों के हवाले से ही है। इस खबर के बाद बिहार में सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली आ रहे हैं, और इस बीच नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से बात की है, ये भी खबर आ रही है। अखिलेश हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अखिलेश, बीजेपी के खेमे से खबर क्या है, क्या नीतीश कुमार पाला बदलने की तैयारी में हैं और किस वजह से ये हलचल तेज हुई है? देखिए, अभी तक औपचारिक रूप से तो कोई इस पर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सियासी गतिविधियां काफ़ी तेज हैं, बल्कि कई दिनों से गतिविधियां पर्दे के पीछे चल रही हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक संभावना इस बात की है कि विधानसभा भंग हो, और ये भी कोशिश होगी कि बिहार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ ही करा लिए जाएं। लेकिन प्रश्न ये है कि तब तक, यानी जब 3 महीने तक जब समय रहेगा, इस समय तक मुख्यमंत्री कौन रहेगा? क्या नीतीश कुमार कंटिन्यू करेंगे या बीजेपी चाहेगी कि उसका अपना कोई मुख्यमंत्री हो? तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर कि अभी जवाब नहीं मिल पाया है। इस बीच जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी के जो राज्य के नेता हैं उनसे भी पार्टी आलाकमान चर्चा कर रहा है, विचार मंथन कर रहा है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कुछ देर में उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हो सकती है। सुशील मोदी भी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि उधर नीतीश कुमार के खेमे भी काफ़ी हलचल है। वहाँ पर भी पटना में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भी कोशिश की है नीतीश कुमार से बात करके उनको मनाने की। कांग्रेस पार्टी के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलेंगे और अब बीजेपी के साथ वो आ सकते हैं। इसमें बीजेपी को का अपना आकलन ये है कि उसमें उसको फायदा है, क्योंकि अगर विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं तो जो मोदी फैक्टर है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ काम करता है, वो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ काम कर सकता है। सीटों के बंटवारों को लेकर भी ज़्यादा झंझट नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार 17, 17 और 6 रामविलास पासवान ने सीटें लड़ी थी, तो वही फार्मूला इस बार हो सकता है। 4 सीटें चाचा भतीजी को दे दी जाए, एक एक सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को दे दी जाए, बाकी 17, 17 सीटों पर जेडीयू बीजेपी चुनाव लड़ लें, तो ये भी मोटे तौर पर तय है। लेकिन अगर विधानसभा के चुनाव होते तो फिर क्या पुराना फार्मूला जिस पर कि बीजेपी जेडीयू अभी तक लड़ते हैं वो रहेगा, या कोई नया समीकरण बनेगा? ये सारे सवाल अभी शायद थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन बिल्कुल अभी तो सवाल तैयार रहे हैं। जी, सीटों के भी बंटवारे कैसे होंगे और क्या वो आगे की बात है, इस वक्त क्या पॉलिटिकल गतिविधियां वहां पे रही और किस तरह की तेजी देखी जा रही है? मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश फोन लाइन पे। मनीष, बिहार में इस तरह से क्या पॉलिटिकल उठापटक, सियासी उठापटक रही जो अब ये खबरें चल रही हैं? कहीं कुछ आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर क्या है वहां पर हलचल सियासी? नीतीश कुमार नाराज हो गए, लालू ने नीतीश को फोन किया, नीतीश बीजेपी में जा सकते हैं, तो वो क्या चीजें थी जो यहां तक नौबत पहुंच गई है? देखिए, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ उन्होंने नाता तोड़ा था, और बाद के दिनों में, यानी कि हाल के कुछ महीनों तक उनकी जो गतिविधियां रही थी वो ये इस बात पर केंद्रित थी कि केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके खिलाफ एक सशक्त गठबंधन को कैसे असली जामा पहनाया जाए, अमली जामा पहनाया जाए, और उसके बाद में लेकिन उनको इस प्रयास में काफी निराशा हाथ इसलिए लगी क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का रुख रहा, कांग्रेस पार्टी का काफी टाल मटोल वाली नीति रही, क्योंकि वो सीटों को लेकर बार बार नीतीश कुमार कह रहे थे कि आप सीटों का समझौता जो है वो जल्द से जल्द कर लें, लेकिन उस पर बात नहीं बनी। और अब जो है लग रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सारी बातें एक तरह से फाइनलाइज कर ली है, और उसी स्क्रिप्ट के तहत जो है कर्पूरी ठाकुर को, जो प्रख्यात समाजवादी रहे हैं,
बिहार के दो बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और अभी पिछली राजनीति के की जो है पूरी धुरी वही रहे, अभी तक बिहार की राजनीति में वही धुरी माने जाते रहे हैं। तो जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और कल जिस प्रकार नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अति पिछड़ा सम्मेलन में परिवारवाद का को मुद्दा बनाया, वो सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत है। और तीसरी एक और अहम बात नगमा की उसी सभा में नीतीश कुमार ने जब मीडिया वालों की तरफ इंगित किया तो हमेशा वो मीडिया को की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आपके ऊपर तो एक नियंत्रण हो गया है, यानी कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते थे, लेकिन कल उनके मुंह से वो वाक्य उन्होंने एक बार फिर से दोहराया नहीं। तो जो कुछ भी हो रहा है और खासकर नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल इस महागठबंधन से उनका मोहभंग हो गया है, लेकिन मोहभंग से पहले वो हमेशा अपना होमवर्क राजनीति में जो कहा जाता है कि अपना सॉलिड होमवर्क उन्होंने किया हुआ है और उसी के तहत अब वो एक एक कदम चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये महागठबंधन की सरकार आप मान सकती हैं कि इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन जो नई सरकार आएगी वो उसका क्या रूप होगा। और ये जो अखिलेश कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव भी साथ साथ होंगे, विधानसभा चुनाव इसलिए नीतीश कुमार साथ साथ कराना चाहते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का एक तरह से आप कह सकते हैं अपर हैंड होता है, वो विधानसभा चुनाव में वही असर या वो जादू काम नहीं करता है। तो वो चाहते हैं कि कम से कम उनकी पार्टी का भी स्ट्राइक रेट जो है 2020 की तुलना में बेहतर हो, इसी के लिए उन्होंने एक तरह से बीजेपी को ऑफर किया है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव को भी साथ साथ कराएं। इसके लिए उन्हें विधानसभा भंग करने की अनुशंसा करनी होगी, लेकिन उसमें दिक्कत यह होती है नगमा की फिलहाल का जो कैबिनेट है तो वो शायद इस बात के लिए तैयार नहीं हो। तो वो जी मनीष जैसा बात कर रहे थे अखिलेश के विधानसभा भंग भी हो सकती है और एक अजीब बात है कि महागठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये लग रहा है वो नीतीश कुमार जो एक तरह से सूत्रधार बनने वाले थे इसके और अब वो तो ये हुआ क्या, और नीतीश कुमार की स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी और अब आपको लग रहा है कि आधिकारिक तौर पर तो नहीं लेकिन ये हरी झंडी मिल गई है उनको। देखिए दो तीन बातें, जो बात मनीष ने कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जब बेंगलुरु में INDIA गठबंधन की बैठक हुई थी तो उसके बाद हमने एक स्टोरी की थी जिसमें ये कहा था कि नीतीश कुमार नाखुश हैं। आपको ये भी याद होगा कि तब उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद नहीं थे, वापस आ गए थे। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के थी कि उनके बीजेपी छोड़कर JDU RJD के साथ जाने के बाद जो विपक्षी एकता है उसमें मोमेंटम बना, एक तरह से उन्होंने अपने हाथ से इस पूरे INDIA गठबंधन का सूत्रपात किया। लेकिन जब गठबंधन की कमान देने की बात या संयोजन की बात या सीटों के बंटवारे की या साझा रैलियों की इन सब तमाम बातें आई तो उनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और कांग्रेस ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए, तो इसको लेकर के उन्हें समस्या थी। उसके बाद मुंबई में बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठक हुई, किसी भी बैठक में वो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए और हर बैठक के बाद यही खबर आती थी कि वो नाराज है। बल्कि दिल्ली में तो यहाँ तक हुआ कि जब उनका नाम कन्वीनर के लिए रखा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कन्वीनर नहीं बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को बना दिया जाए। उन्हें इस बात की शिकायत थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आप जब कर रहे हैं, आप जब उनको चेयरमैन बना रहे हैं INDIA गठबंधन का, तो फिर कन्वीनर पोस्ट का मतलब क्या है? और दूसरी बात कि इतना समय हो चुका है, ये बात कब 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब आप कर रहे हैं, ना सीटों की बंटवारा हुआ है ना कुछ हुआ है, तो ये भी एक कारण रहा है। दूसरा, बीजेपी को तो देखिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास था कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती जैसे कि संभावना थी कि अगर JDU साथ में ना हो तो उसको उतना फायदा नहीं होता, 2019 की जो परफॉर्मेंस थी वो रिपीट नहीं कर पाती, क्योंकि ये जमीनी हकीकत है बिहार की कि तीन पार्टियों में दो पार्टियां जहां होती हैं उनका पलड़ा भारी होता है। तो ये बीजेपी को सूट करता है कि नीतीश कुमार आ जाए, चाहे उनकी ताकत कमजोर हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप देखें केवल 45 सीटें वो जीत करके आए, नंबर 3 की उनकी पार्टी बन गई और इसके लिए भी वो बीजेपी को दोषी मानते थे कि चिराग पासवान को आपने पर्दे के पीछे से समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने चिराग को अलग कर दिया। अब उस तरह की कोई दिक्कत है नहीं और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नीतीश अब अपने उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब उन्हें अपनी पार्टी का भविष्य लगता है, एक चिंता होती कि क्या होगा मेरे बाद, मेरी पार्टी का क्या होगा, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि एक बड़ी पार्टी के साथ में वो रहें ताकि उनकी पार्टी की भी देखभाल ठीक से हो। अखिलेश हमारे साथ कन्हैया बिलारी भी जुड़ गए हैं,
और एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम और लौटेंगे इस खबर पे। कन्हैया बिलारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप जाने के पहले कन्हैया जी, आपसे एक छोटा सा सवाल कि ये जो अभी हुआ है यहाँ पर, नीतीश मानेंगे वापस महागठबंधन में जा रहे हैं या कब तय है कि वो निकल जा रहे हैं और महागठबंधन से मोह भंग हो गया उनका? नीतीश कुमार को जब प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं बनाया गया तो अब कहां से रहेंगे वो तो उनको जाना, उनका जाना तय है। वो एक तरह से कहिए कि वो चले गए हैं और भाजपा के साथ अपना पूरा जो भी डील होना था वो सब डील कर लिए हैं, लेकिन ये लगता है हमें कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं, भाजपा उस पर तैयार नहीं होगी कि उनको चीफ मिनिस्टर रहेगा। भाजपा चाहेगी कि मेरा चीफ मिनिस्टर हो। अब नीतीश कुमार सबसे पहले एक बात ये भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव से इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप विधानसभा का चुनाव साथ साथ कराने के लिए तैयार हो, इस पर लालू यादव तैयार नहीं थे, इसलिए आप देख रही हो। तो नीतीश कुमार या नीतीश कुमार की पार्टी जिस तेजी से ये पाला बदल रहे हैं, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता? लोगों में क्या संदेश जाता है इससे? कन्हैया बेलारी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बताइए क्या सवाल था? मैं पूछ रही हूँ कि नीतीश की अपनी साख पे क्या इसी है जो इतनी जल्दी जल्दी पाला बदलते हैं, स्क्रिप्ट लेके तैयार बैठे थे और अब दूसरी तरफ भी जा रहे हैं, तो उनका, क्योंकि उनको आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं बनाया गया प्राइम मिनिस्टर का, तो उनकी पार्टी या उनके ऊपर बतौर एक नेता या लोगों का विश्वास जो उन पर है उस पर क्या असर पड़ता है? बोलिए। अब एकदम इसकी चिंता उनकी उनको नहीं है। नीतीश कुमार की उपलब्धि अब यही मानी जाएगी, सबसे बड़ा उपलब्धि नीतीश कुमार की क्या है, ये अलग पलग करते रहते हैं, यही उनकी उपलब्धि है, अविश्वसनीय अविश्वसनीय है। अब ये इनकी जितनी भी शाख जो है, हाँ, उलट पुलट करते रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाएगी। और इनका पॉपुलरिटी समझ लीजिए और इमेज दोनों समझिए कि समाप्त है, यही माना जाएगा। अब इतना आप दबाव बना रहे थे, 2 साल पहले विधानसभा का चुनाव कराना चाहते हैं, एक भी विधायक तैयार नहीं है, न जनाजल के तैयार है, न जेडीयू के तैयार है, या बीजेपी के भी तैयार नहीं है। तो इसीलिए अब इनका देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ हम भी हैं, ये भी कह रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, तो कोई ना कोई एक सहारा चाहिए था जहाँ एकजुट हो जाए। मेरे सुर मेरा नीतीश कुमार गिने चुने पार्टियों में से एक हैं, नेताओं में से, जिन्होंने कि एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है। तो अभी जो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति है तो उसमें साफ कहा गया साथ साथ चुनाव होने चाहिए, तो नीतीश कुमार उन लोगों में से हैं, तो अगर साथ चुनाव होते तो उसके तो हमेशा पक्ष में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश और कन्हैया बिलारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी तो सियासी हलचल बिहार में तेज हुई है और उसके ऊपर काफी खबरें अभी आएंगी, लेकिन ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार का मोहभंग हो चुका महागठबंधन से और एक बार फिर वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि सारी खबरें अभी कहीं भी आधिकारिक तौर पे पुष्टि इनकी नहीं की गई है, लेकिन काफी सियासी हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भगवान राम का नाम लेकर यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनावों का बिगुल बजाया। पीएम मोदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद किया और कहा कि आज वो जहां भी हैं अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का काम करना है। प्रधानमंत्री बोले कि विकसित भारत का निर्माण यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। आजादी के बाद से विकास को कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रखा गया, इसमें भी उत्तर प्रदेश शामिल था। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने आज अपने सफाई मैराथन प्रोग्राम के तहत लक्ष्मी नगर वार्ड का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड की साफ सफाई और वहां के स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं सुनी।